अब क्वेश्चन क्या हो गया ना, कैट एग्जाम में हमको 99.99 मिल गया, लेकिन मेरे को आया अहमदाबाद से कल नहीं आया, उसमें कॉम्पोजिट स्कोर हमको क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो व्हाट इज कॉम्पोजिट स्कोर? सो कॉम्पोजिट स्कोर का बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर IIM। कैट देने से ही आपको होगा नहीं, कॉम्पोजिट स्कोर में आपको परसेंटेज आएगा, परसेंटेज आएगा जो भी है, तो मार्क्स कट ऑफ आएगा, तो ही आपको कॉल आएगा कोई भी IIM या बड़ा भी स्कूल से। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड इसके लिए इस वीडियो के एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम टॉकिंग यू दैट दिस इज द ओनली वन वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक, एज बिकॉज यू नो दैट 1:3 बेसिस में आपको वो बुलाता है व्हाट पी आई में। व्हाट पी आई मतलब क्या है ना, इस बार ब्लैकी का वो जो व्हाट पी आई हुआ है वो इस बार हुआ है आपको ऑफलाइन बेस्ड। ओके, सो लोकल सेंटर में आपको क्या ना बुला के उसमें आपको वाट लिया है, पी आई लिया है। सो दिस इज द थिंग। खास करके मैं जो बताता हूँ, जो चीज़ का बारे में बार बार बोला हूँ, चैनल को बिल्कुल एंड तक देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, एज बिकॉज नहीं देखने से आपको पता नहीं चलेगा। कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है? कॉम्पोजिट स्कोर ऐसे ही होता है, आपको कैट का जो परसेंटाइल मतलब है, परसेंटाइल एंड स्केल्ड स्कोर दिया जाता है, उसका एक तो परसेंटेज लेता है, आपका 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स का एक तो परसेंटेज का, एक तो परसेंटेज का परसेंटेज। ग्रेजुएशन का मैक्सिमम IIM अभी रिजेक्ट किया है, उसको अभी नहीं देखता है, लेकिन कोई कोई IIM देखता भी है। ओके, एंड आपको वर्क एक्स का कितना है, आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो आपको वर्क एक्स में मार्क्स जीरो कर देता है, लेकिन 5 ईयर्स से कम होगा तो उसका अनुसार में आपको मार्क्स देता है। एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी, एंड आपके पास कोई अच्छा सर्टिफिकेट हो, CA CFA लेवल हो, तो आपको एक तो मार्क्स देता है। सो इसको मिला के कॉम्पोजिट स्कोर बनाता है। कॉम्पोजिट स्कोर में जो टॉप आता है, वही टॉप से लेकर के उसका जो टोटल सीट है, सपोज कोई IIM में 500 सीट है, कोई IIM में 300 सीट है MBA में, तो क्या होगा ना, जो IIM में 500 सीट है तो 1500 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, तो 1500 कैंडिडेट जैसे सीरियली आपको आएगा वैसे ही उतना ही कट ऑफ आपको, कॉम्पोजिट स्कोर का कट ऑफ आपको दिखाया जाएगा। सो RTI हम लोग का जो करते हैं, RTI में हम लोग, हमारा जो वीडियो रहता है, इस चैनल में वीडियो दिया है, वहाँ पर देख सकते हो, कोई भी IIM का RTI दैट IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, MBA A to Z क्लिक करोगे तो यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि 1500 टोटल कॉल किया गया है 500 सीट के लिए। ओके, तो 1/3 आपको कॉल किया जाएगा, 1/3 को सिलेक्शन होगा, 3 times कॉल किया जाता है। 300 आपको कोई IIM का सीट है तो 900 कॉल किया जाएगा, आपको 1/3 सिलेक्शन होगा। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग्स ऑफ द कॉम्पोजिट स्कोर। सो कॉम्पोजिट स्कोर में आप अच्छा आओगे और उसका मार्क्स आपको अच्छा आएगा, मतलब क्या है ना, जो आपको जो स्कोर आएगा उस स्कोर का बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा व्हाट पी आई के लिए। तो AWT बोलिए, व्हाट पी आई है, व्हाट जो है वो सेम चीज़ है, रिटन एबिलिटी टेस्ट और द एबिलिटी इन राइटिंग टेस्ट, दैट मे बी डिफरेंट IIM का डिफरेंट क्राइटेरिया। सो क्या है ना, जो उसके लिए आपको PI रोक नहीं जाएगा, उसका जो मार्क्स है वो एक तो हेल्ड किया हुआ रहेगा, उसके साथ साथ आपको PI भी होगा। PI में आप जैसा आप बता नहीं सकते, आप इंग्लिश में बोल नहीं सकते, इसका मतलब क्या है ना, जो आपको रिजेक्ट किया जाएगा डेफिनेटली। इसका मतलब नहीं है कि जो आप वहाँ पर अच्छा से कुछ बोल दिया है आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता आपको रिजेक्ट कर देता है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्या है ना, जो आपको बढ़िया से आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा वाट के लिए। कोई भी क्वेश्चन PI में पूछ सकता है, AWT में आपको पूछ सकते हैं। सो इसके लिए अच्छा से आप प्रिपरेशन कीजिए, बड़ा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको कहना जब किसी किसी का कैट बहुत इजी लगता है, हो सकता है कि हो जाएगा, खास करके SC ST कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के लिए। मैं बोल रहा हूँ जो वहाँ पर क्वेश्चन छः क्वेश्चन मतलब कहना जब BRC में 6 गो, DLR में 6 गो, क्वांट में 6 गो क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसका मोटा मोटी चांसेस रहता है कोई IIM से कॉल आने का। बट वहाँ पर आने के बाद आपको PI में कुछ बोल नहीं पाओगे तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। सो इट इज़ लाइक दैट। आपका सीट खाली हुआ रहेगा, लेकिन आपको दूसरा, आपको जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है वहाँ से आपको रिजर्वेशन में पुट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग, मेन थिंग कि आपको बात जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो आपको वेटिंग लिस्ट से आपको कर दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज द थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर दैट कॉम्पोजिट स्कोर इज, क्या है ना, कॉम्पोजिट स्कोर में आप अच्छा स्कोर नहीं लाओगे, स्कोर लाना तो पॉसिबल है नहीं, आपको कैट का स्केल स्कोर जैसा आएगा उसके बेसिस पे आएगा। एंड जो जो IIM में आपको दैट इज सिलेक्शन, मतलब क्या ना, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं IIM रोहतक में, तो वहाँ पर क्या होगा ना, आपको बहुत दिक्कत होता रहेगा वहाँ पर, क्योंकि कॉम्पोजिट स्कोर बहुत हाई होता रहेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए खास करके मैं बोलूँगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए जेंडर डाइवर्सिटी का आपको बिल्कुल फैसिलिटीज है, एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी, जिसका फाइनेंस बैकग्राउंड है, BCom किया है, BA किया है, BBA किया है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये वाला कोर्सेस, एंड कॉम्पोजिट स्कोर में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सो दिस इज द थिंग।
एंड इसको दिमाग में घुसाओ कंप्यूटर स्कोर क्या होता है नहीं होता है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यही मिलता है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो वन सेकंड, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।